तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, इन मैडम ने 6 से 8 महीने पहले ये कलर कराया था। अब ये चेंज चाहती हैं, ब्राउन शेड चाहती हैं, इनको व्हाइट हेयर भी बहुत ज्यादा आ गया है, इन्होंने डाई भी यूज की है। तो सबसे पहले हम इनके बालों में क्लिंजर करेंगे। क्लिंजिंग के लिए जो प्रोडक्ट हमने लिया है, शॉशकॉफ का ब्लॉन्डर लिया है। शैम्पू आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हो। 30 वॉल्यूम के साथ आपको ये क्लिंजर करना है, मिक्स करके। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा क्लिंजर हमने मिक्स कर लिया है और इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो सिर्फ उस ब्लैक हेयर पर मैं करूंगा जहां तक उनका नेचुरल ग्रोथ आया हुआ है। नीचे की लेंथ में आपको आपका जो क्लिंजर है वो अप्लाई नहीं करना है। अगर आप उसे जब आपकी फ्रंट एप्लीकेशन पूरी हो जाए तभी आपको बैक साइड पर भी एप्लीकेशन करनी है, बिकॉज क्योंकि फ्रंट पर उन्होंने डाई अप्लाई कर रखी थी इसलिए हमने पहले वहां पर लगाया। उसी क्लिंजर को आपको पूरी लेंथ में अप्लाई कर देना है जब आपका ऑल ओवर टोन 4 से 5 लेवल तक लिफ्ट हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पूरे बालों में हमने 6 से 7 नंबर की अंडर टोन को अचीव कर लिया है। अब सबसे पहले आप इनका जो वॉश करोगे वो पानी के साथ करोगे, पूरा प्रोडक्ट पानी के साथ निकाल दोगे, उसके बाद ही आपको इनके बालों में शैम्पू अप्लाई करना है। प्रॉपरली शैम्पू करने के बाद आप इनका बाल सुखाओगे, सुखाने के बाद हम इन्हें कलर एप्लीकेशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने 6 से 7 नंबर तक की अंडरटोन पूरे बालों में अचीव। अब हम इनके बालों पर कलर डिपॉजिट करेंगे। कलर डिपॉजिट के लिए हमने जो कलर लिया है 5.35 लॉरियल, 8 नंबर मॉरफोर्स और 5.22 मॉरफोर्स। 8 नंबर की जो कलर टोन हम डालेंगे वो सिर्फ एक क्वार्टर ट्यूब डालेंगे, बहुत ज्यादा आपको नहीं डालनी है। 5.22 भी हम बहुत क्वार्टर से भी कम डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है बिकॉज ये कलर कटर है, ये उनकी येलो टोन को कट करेगा। 5.35 लॉरियल आप पूरी ट्यूब डाल दोगे बिकॉज क्योंकि हमें एक ब्राउन टोन उनके बालों में क्रिएट करना है और 5.35 जो है वो आपको एक ब्राउन टोन देगा उनके बाल में। तो पूरी कलर ट्यूब आपको डाल देनी है। 20 वॉल्यूम के साथ आप ये कलर बनाकर उनकी लेंथ में अप्लाई करोगे। रूट के लिए ये कलर नहीं है, सिर्फ लेंथ पर आपको ये कलर एप्लीकेशन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा कलर मिक्स हो गया है। इसी में से थोड़ा सा कलर मैं दूसरे बाउल में निकाल लूंगा उनके रूट टचअप के लिए। इसमें मैं मैट्रिक्स का 4 नंबर भी ऐड करूंगा जो कि एक नेचुरल ब्राउन शेड होता है जो कि उनके व्हाइट हेयर को कवरिंग करेगा। 4 नंबर ग्लोबल कलर की जो एप्लीकेशन अब हम उनके बालों में स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको बैक साइड से करनी है। सबसे पहले उनको आपको प्रॉपर पूरा रूट टचअप अप्लाई कर देना है। जब रूट टचअप की एप्लीकेशन आपकी पूरी हो जाएगी तभी आपको ग्लोबल अप्लाई करना है। रूट टचअप बहुत ज़्यादा लंबा आपको नहीं लगाना है, नॉर्मल 1 इंच तक ही आपको रूट टचअप की एप्लीकेशन उनके बाल में करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने रूट टचअप को अप्लाई कर लिया है। अब हम ग्लोबल लगा रहे हैं। सिर्फ फिंगर से आपको सेक्शन लेने हैं, कॉम्ब यूज नहीं करनी है। प्रॉपरली आपको स्प्रेड करके ये कलर अप्लाई करना है। अगर छूट जाता है तो ब्रश से आप उसको दोबारा से ऊपर से अप्लाई कर दोगे ताकि आपका जो कलर है वो कहीं से छूटे ना। बहुत अच्छे से जेंटली आपको ये एप्लीकेशन करनी है, पूरा अच्छे से मल्सीफाई करना है, कहीं से भी कोई बाल छूटना नहीं चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे ग्लोबल एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। 25 से 30 मिनट के बाद अब हम इसे वॉश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने पानी से प्रॉपर इनका रिंस कर लिया है। अब हम इन्हें शैम्पू अप्लाई करेंगे। कोई भी केराटीन वाला शैम्पू आप इनके बालों में अप्लाई कर सकते हो जो कि आपके बाल को बहुत अच्छे से क्लीन और स्मूथ लुक दे सके। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इनके बालों में प्रॉपर एक ब्राउन कलर आया है जो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी क्लाइंट भी बहुत हैप्पी है इस कलर के साथ।
तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जल्दी से जो आने वाली वीडियोस होगी उनके सारे टिप्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।